कोहपैमाओं के लिए बड़ी खबर, K2 पर बोरियत दूर करने का सामान हो गया। अब बुलंदी पर भी कॉलिंग और स्ट्रीमिंग सर्फिंग मुमकिन होगी। दूसरी जानब समीना बेग K2 सर करने के लिए पुरआज़म हैं। और इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान करार हैदरी साहब। करार साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। करार साहब ये बताइएगा, कब से कोशिशें जारी थी मोबाइल टावर लगाने की और ये मुमकिन कैसे हो सका? अल्पाइन क्लब इस हवाले से पहले भी हुकूमती लेवल पर गुजारिशात हम करते रहे हैं। हेलो जी जी करार साहब, आवाज़ आ रही है आपकी। जी जी, तो ये SEO का एक बहुत बड़ा कारनामा है। SEO बड़े अरसे से गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कम्युनिकेशन की जो सहूलियात दे रही है, उसके बाद ये एक बुनियादी अहम ज़रूरत थी, खासकर माउंटेनियर्स ट्रैकर्स बल्तोरों पे और गिलगित बल्तिस्तान में जाते हैं। तो अब ये जो फैसिलिटी दी गई है, इससे ये है कि अब जो ट्रैकर्स हैं, माउंटेनियर्स हैं, उनका अपने घर वालों से और जो मुतल्लिका इदारे हैं उनसे हर वक्त रहता रहेगा, और एक आम मोबाइल से भी वो फ़ोन कॉल के ज़रिए अपनी अपडेट दे सकते हैं। और हमें खुशी है कि उन्होंने SEO ने समीना बेग को स्पॉन्सर किया है। समीना बेग हमारे पाकिस्तान की पहचान है पूरी दुनिया में। बींग ए लेडी, उन्होंने माउंट एवरेस्ट, फर्स्ट पाकिस्तानी टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, उसके बाद 7 summit किया है पाकिस्तान के हवाले से, वो और पाकिस्तान का नाम तमाम बुलंद तरीन चोटियों पर तमाम बड़े आजम में उन्होंने बुलंद किया है। और हम दुआगो हैं वो K2 पे जा रही हैं। K2 एक मुश्किल तरीन पहाड़ है और हम उनकी कामयाबी के लिए दुआगो हैं। और हमें उम्मीद है SEO जैसे इदारे इसी तरह ही हमारे काबिल फ़खर माउंटेनियर एथलीट स्पोर्ट्स लवर की को सपोर्ट करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया करार हैदरी साहब, आपने सवाले से अपना मौके पेश